हाय एवरीवन, एवोल्यूशन पैच के अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह कई मस्त चेंजेस के साथ में एक पूरी तरह से रोमांचक पैच होगा, तो चलिए जानते हैं। गाइस, फ्री फायर के अंदर आने वाला है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है गाइस लोकोटा। तो गाइस, एक और नया गन आने वाला है हमारे फ्री फायर के अंदर जिसका नाम है ऑग गन। एंड गाइस, ये ऑग गन काफी अच्छा गन होने वाला है। एंड गाइस, अगर आप लोग क्लास स्क्वाड का मतलब आप लोग बहुत ज्यादा क्लास स्क्वाड खेलते हो, तो गाइस क्लास स्क्वाड में आने वाला है एक रिपेयर किट जिसमें आप लोग खुद ही खुद मतलब अब जैसे आप लोग डाउन हो गए तो आप लोग खुद ही रिवाइव कर सकते हो खुद को। गाइस, आप लोगों को एक और नया चीज देखने को मिलेगा जो है पैराशूट ओपनिंग। जैसे आप प्लेन से कूदते हो गाइस, उसके बाद गाइस आपको जो पैराशूट ओपन होगा ना, वो गाइस काफी अच्छा लगता है गाइस। मतलब मेरे को तो काफी अच्छा लगा। एंड गाइस, वो एक अलग से स्टाइल से उतरता है तो काफी अच्छा लगता है देखने के लिए। गाइस, नए अपडेट के अंदर आप लोगों को ओपन बैलेंसिंग मिलेगा। मतलब कुछ गान में गाइस चेंजिंग किया जा रहा है, जैसे स्पास 12 इसके बाद 1 सेकंड गाइस। तो इसमें आता है हमारा लेटेस्ट कैरेक्टर लोकोटा। पहली बार एक यंग टैलेंटेड फुटबॉल स्टार ने ज्वाइन किया है फ्री फायर। इसके पास बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जो कि आपके एचपी को अप टू 35 इंक्रीज कर सकती है। मतलब जितना ज्यादा आप किल करोगे उतना ज्यादा आपकी एचपी मैक्सिमाइज होगी। इतना ही नहीं, इसकी एक स्पेशल म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। इसकी स्पेशल फाइटिंग स्टाइल देखने के लिए हो जाइए तैयार। जैसे कि गाइस, हम लोगों का जो फेवरेट गन है XM8, तो गाइस ऐसे ही जो ऑग गन आने वाला है गाइस हमारा गेम के अंदर। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा गन है। एंड ये जो गन है गाइस, आप लोगों को पहले क्लासिक में देखने को मिलेगा, उसके बाद क्लास स्क्वाड में देखने को मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को रैंक के अंदर भी मिल जाएगा। तो गाइस, काफ़ी अच्छा गन है। ऑग एक मिड रेंज गन है। इसमें 2x स्कोप पहले से जुड़ा होता है, लेकिन इसे पूरी तरह से 4x में अपग्रेड किया जा सकता है। 35 राउंड मैगजीन के साथ में यह करीब रेंज की स्थिति में बेहद उपयोगी होती है, तो इसे जरूर आजमाएं। और अगर आप CS मोड के फैन हो, यानी कि क्लैश स्क्वाड आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको इस टाइम काफी खुशी होगी ये सुनके कि CS मोड में भी काफी अमेजिंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास स्क्वाड में आने वाला है नया सीजन, एंड जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा G18 का एक गाइस गोल्डन स्किन जो काफी अच्छा है। एंड गाइस, आप जैसे क्लास स्क्वाड में गोल्ड के ऊपर जाओगे, आप लोगों को एक जो गन का जो स्किन है आप लोगों को सभी को फ्री में मिलने वाला है। और सिर्फ CS मोड में ही नहीं, क्लासिक मोड में भी आपको कई गन्स अपडेट होती नजर आएंगी। AK, हालांकि AK हमेशा पसंदीदा हथियारों में से एक है, लेकिन निश्चित रूप से यह गेम में कुछ टॉप ARs की तुलना में कमजोर है। हम AK की स्टॉपिंग पावर को मामूली सा बढ़ाकर इसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। फमास एक ऐसी गन है जिसको अभी हम टॉप AR गन्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, लेकिन अब आपको इसमें कुछ एडिशनल मूवमेंट स्पीड देखने को मिलेगी। मतलब जब आप फमास से 3 बर्स्ट फायर करते हो, यानी कि शूट करोगे, तो आपकी मूवमेंट स्पीड में कुछ एडिशनल आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप थोड़ा सा इजियर मूव कर पाओगे। M249 वर्तमान में एयरड्रॉप में पाए जाने वाले हथियारों में से सबसे कमजोर हथियार है। हम इसे एक बफ दे रहे हैं ताकि यह प्रभावी रूप से सप्रेसिंग फायर दे सके। तो जैसे कि गाइस, आप लोगों को पता है कि हमारा जो स्पास 12 है गाइस, वो बहुत प्लेयर यूज नहीं करते क्योंकि गाइस वो उतना भी अच्छा नहीं है। एंड गाइस, ये जो अपडेट आने वाला है गाइस, इस अपडेट में आप लोगों को जो अदर्स जो शॉटगन मिलता है, जैसे कि हमारा 2 गोली वाला हो गया है, M10 हो गया है, तो गाइस ऐसे ही चलने वाला है हमारा स्पास 12। तो इसके बाद गाइस बहुत प्लेयर यूज करेंगे स्पास 12 को, क्योंकि गाइस एकदम मस्त बना दिया है इस अपडेट के बाद। एंड गाइस, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। एक्समेट कुछ समय के लिए AR की सूची में टॉप पर रहा है, और इसका यह भी एक रीजन है कि ये वेपन बहुत ही फ्लेक्सिबल और यूज करने में बहुत ही आसान है। हम इस पैच में इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इसको सीखने की अवस्था लंबी हो सके। स्पेशली अब आप फ्री फायर में कुछ ऑसम इफेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस कर पाओगे, जैसे कि पैराशूट ऑप्टिमाइजेशन, लो HP वार्निंग, और इसके साथ साथ न्यू रिजल्ट स्क्रीन।
तो गाइस फ्री फायर का बर्थडे पार्टी आने वाला है 3rd एनिवर्सरी का। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, फ्री फायर के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। तो ए गाइस अपडेट आपको 29 तारीख को देखने को मिलेगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ये वाला अपडेट।